अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द माशाल्लाह जायका। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, वो भी दानेदार। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 बड़े चम्मच प्योर घी डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं, बादाम, कुछ बादाम, काजू, किशमिश और मखाने, इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे, इनको जलाना नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 कटोरी वाटर, पानी और 1.5 कटोरी शुगर डाल के इसका एक सिरप बना लिया है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने इलायची पाउडर और पिंच ऑफ कलर फूड कलर डाला है। फूड कलर ऑप्शनल है, आप डाल लीजिएगा या स्किप कर दीजिएगा। अब मेरा ये ड्राई फ्रूट सॉटे हो गए हैं, अब मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मेरा शुगर सिरप भी रेडी है बनके, तो मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसी पैन में, कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी और ऐड करूँगी और मैं ये कटोरी जो दिखा रही हूँ, इसी कटोरी से मैंने शुगर भी ऐड करी डाली थी। अब इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भर के रवा लिया है। अब इसको मैंने अच्छे से भुना, मेरे को घी कम दिखा तो मैंने इसमें घी और ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे। इससे पहले इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन का डाला है। बेसन डालने से आपका जो रवा है अच्छा दानेदार हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा दिखता है, इसका टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे, इसको हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। अब एक लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें जो मैंने सिरप बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो हम इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जब तक ये हमारा पानी, सूजी जो है हमारे पानी को सोक ना कर ले और साथ साथ ही अच्छा से इसका कलर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 कप दूध भी डाला है, वो मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूली फूली और दानेदार हो जाए। वो मैं आपको, आप पूरा रेडी जब हलवा हो जाएगा तो मैं आपको पास से भी बताऊँगी। तो मैंने इसमें जो दूध डाला था उससे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दूध के साथ अपने रवे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब उसके बाद मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको मैं इसकी शक्ल पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना दानेदार बना है और बहुत ही मॉइस्ट है ये, और इसने चिपचिपा भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा दानेदार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा हलवा जो है, सूजी का हलवा बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए थे गार्निश के लिए, अब मैं उसको गार्निश कर दूँगी। तो हमारा सूजी का हलवा रेडी है खाने के लिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।